शहीद पार्क चौक में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिला सरकार समाज की तरफ से शोक सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा यहाँ चल रही है। उसके बाद व्यापारी यानी बलिया शहर के व्यापारी कैंडल मार्च करेंगे। सुदखोरों के खिलाफ व्यापारी एक लामबंद है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यह आज आवश्यक कार्यक्रम है, जिसमें जिले के शहर के व्यापारी शामिल हैं। आपको बताते चले कि इस दिनों देखा जा रहा है कि गन व्यवसायी नंदलाल गुप्त के लाइव सुसाइड आपने घटना को देखा होगा। उस घटना को लेकर जिले में एक लोग दुखी हैं और जैसा कि जो बार बार बातें आ रही हैं कि सूदखोरों से बलिया को मुक्त किया जाए, तमाम मुद्दों पर आज सराफा व्यापार मंडल यहाँ बैठा हुआ है। और अभी देखा कि आपने सुनील सर्राफ, जमाल आलम, अशोक सेठ और भी तमाम प्रमुख व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, जिनके देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज जिले में बलिया शहर की बात करें तो जहाँ तमाम कार्यक्रम व्यापारी जहाँ एक तरफ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, शोक सभा कर रहे हैं, वहीं पे उनके घर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुँचे थे, नंदलाल गुप्त के परिवार से मिले। फिर इसके बाद वहीं पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो आज जिले में कई कार्यक्रम एक साथ रहे, जहां प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह उनके परिवार से मिले, वहीं शहीद पार्क चौक में सराफा व्यवसायी यहां शोक सभा कर रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ पुलिस कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पकड़े गए लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो ये सिलसिला अब ख़त्म नहीं होने वाला, जैसा कि व्यापारियों का कहना है। उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से संकल्पित होंगे और संकल्प लेंगे कि बलिया को सूदखोरों से मुक्ति दिलानी है। व्यापारी पूरी तरह से आक्रोश में है, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक इतना ही। जुड़ रहे हैं बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।